यूं तो मुंबई में कई सालों से अवैध निर्माणों की झड़ी लग चुकी है। क्या इमारतें, क्या झुग्गी झोपड़ियां, सभी जगह अवैध निर्माण होता रहा है और अब तक चल ही रहा है। कहीं पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो कहीं पर इसके खिलाफ खामोशी बरती जा रही है। इसी बीच मुंबई के विधानसभा में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर आवाज़ गूंजी। आमदार अमीन पटेल के मुताबिक दक्षिण मुंबई में कई बिल्डिंग में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे निर्माणकर्ताओं को फ़ायदा और जनता को नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे वो माइनॉरिटीज़ के इलाके जिन पर मुंबई महानगर पालिका ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, सब ने आँखें बंद कर रखी है। देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट की जब गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट या SRA, आप बांद्रा को देखेंगे जहाँ पर चार चार मंजिला झोपड़े बन चुके हैं, वहाँ अगर SRA को आना है तो किस तरीके से आएगा? ये वो इमारतें जो 2 मंजिला थी 10 मंजिला हो गई, अगर आज हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं या क्लस्टर डेवलपमेंट में जाते हैं तो वो मुमकिन ही नहीं है कि हम इस तरीके से हम वो उन स्कीमों को, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों को अपने इलाकों पे नाफिज कर सके। तो ये ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि गैरकानूनी इमारतों में या गैरकानूनी किसी भी चीज़ में एक फ़्रोग देने की बात होती है। आप सिग्नल्स देख लें मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके में, ऐसा लगता है कि जानबूझकर इनको पास होने दिया जाता है। ऐसा क्यों है, ये एक सवाल है मेरा स्टेट गवर्नमेंट से, मुंबई महानगर पालिका के लोगों से, पुलिस से, कि आप कार्रवाई सख्त क्यों नहीं करते? वो कार्रवाई जो आमतौर पर दूसरी जगहों पर होती है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। दो तरह के सवाल इसमें आते हैं। एक है, ये पुरानी बिल्डिंग है जो इलीगल बन चुकी है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ने जो बिल्डर, जो डेवलपर, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उनसे इस बिल्डिंगों का प्रीमियम ले, जो वो फंजिबल में उसको डाले, उसको DCR के अंदर डाले, कहीं पर भी डाल के जो पुरानी बिल्डिंगें बन चुकी है एक डेट तय की जाए और उन बिल्डिंगों का प्रीमियम ले करके उसको लीगलाइज कर दे। सेकेंड है, जो आज के दौर में, आज इस वक्त, आज हम 27 मार्च 2022 में हम बैठे हुए, आज जो पिछले 2-4-8 दिन में जो बिल्डिंग चालू हुई है, जो बिल्डिंग बिकी नहीं है, उन बिल्डिंग जो इलीगल हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। अगर वार्ड ऑफिसर, एसोसिएशन कमिश्नर बोलिए या पुलिस ऑफिसर बोलिए या माडा बोलिए, अगर उसको रोकने में सक्षम नहीं होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैंने अपने मुद्दे को बिल्कुल क्लियर किया है। एक जो बन गई है, लोगों ने यहाँ रह रहे हैं, लोगों ने अपनी बीवी के जेवर, अपनी बच्ची के शादी के जेवर, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई बेच कर लगाया है, उनको पता नहीं था कि बिल्डिंग इलीगल है, उनके साथ में रियायत होना चाहिए, वो बिल्डिंग को लीगलाइज करना चाहिए और उसका जो भी प्रीमियम होता है, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी महानगर पालिका का, माडा का प्रीमियम होता है लेके उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। मगर अभी आज के बाद में ऐसी 10-10 माले की इलीगल बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। उसकी वजह है कि कल जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये बिल्डिंग जर्जर हो जाएंगी, ये बिल्डिंग में रिपेयर निकलेगा, ये बिल्डिंग रिपेयर ही नहीं हो पाएंगी, माडा इसको रिपेयर नहीं करेंगी, BMC इसको रिपेयर नहीं करेंगी और ये बिल्डिंग गिर जाएगी और लोगों की इसमें जान जाने का खतरा है। ये लोगों की जान को बचाने के लिए एक डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने फौरन लेना चाहिए। सर्वे के मुताबिक इस अवैध निर्माण को चलते हुए लगभग 14 से 15 साल हो चुके हैं और आमदार अमीन पटेल ने अब जाकर इस पर आवाज़ उठाई है, मगर ऑपोजिशन ने पिछले 3 सालों से इस पर बहस कर रहे हैं। सर, ये मुद्दा जो है ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये कई सालों से ये चलता आ रहा है, लेकिन आज इसकी आवाज़ क्यों उठाई गई, क्या इलेक्शन को देखते हुए? इलेक्शन बहुत दूर है, आने वाले दिनों में, महीने, 2 महीने में, 3 महीने में इलेक्शन होने नहीं जा रहा है और ये पानी सर से ऊपर निकल गया है। एक दो बिल्डिंग जो पहले बनी थी जिसको डिमोलिशन के कोर्ट के नोटिस आए, वो बिल्डिंग की हमारी बहनें, माएँ मेरे पास आई और अपना जर्जर रो रही थी कि हमारे साथ में धोखा हो गया है, हमारे साथ में बेईमानी हो गई, हमने किसी पे भरोसा किया, हमने किसी पे ट्रस्ट किया, हमने स्टैम्प पेपर पे जाके एग्रीमेंट रजिस्टर करके घर लिया है, आज हमको कहते हैं हमारा घर इलीगल का है। तो ऐसे लोगों की तकलीफ़ आने वाले दिनों में नहीं होना चाहिए और जिनको तकलीफ़ हो गई है उनको रियायत मिलने के लिए मैंने मुद्दा उठाया है। ये जेन्युइन पब्लिक का मुद्दा है, जो बिल्डिंग बन चुकी है उसको किस तरह से लीगलाइज करना चाहिए, BMC ने उस पर कानून बनाना चाहिए, पैसे लेने चाहिए, प्रीमियम लेना चाहिए और आने वाले दिनों में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरी अफसोस इस बात का है कि उन्होंने 15 साल बाद ये आवाज़ बुलंद की। अगर ये 15 साल पहले ये बोलते, अच्छी बात की उन्होंने, अगर यही बात 15 साल पहले बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास 100 फैमिलीज आ रही है, रोते हुए आ रही है, जिनके जेवर बिक गए, तो ये कम अज़ कम उन लोगों के जेवर नहीं बिकते। अब से ये अगर रुक जाए तो आने वाले 5 सालों में जो बर्बाद होने वाले लोग हैं वो इससे बच जाएंगे। ये देखा गया कि ज़्यादातर अवैध निर्माणकर्ता पुरानी इमारतें तोड़ देते हैं
और नई इमारतें कई कई सालों तक नहीं बना पाते हैं और आम आदमी इन इमारतों में घर खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेचकर सड़क पर आ जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम रिजवान है और हम लोग डामा गली में रहते थे और 3 माले की बिल्डिंग थी वो, और वो इनलीगल थी जिसके वजह से बिल्डर ने तोड़ भी दिया उसे, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की सब जगह से अरेंजमेंट करने की मगर कोई काम नहीं बना हम लोग का। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि सरकार से, क्योंकि हम लोग अब रोड पे आ चुके हैं, तो हम लोग चाहते हैं कुछ सरकार से हेल्प के लिए ताकि हमें कुछ अपने हमारी छत मिल जाए बस। कितने दिन हो गए? ये कम से कम 5 साल हो गए इस बात को। अब क्या कंडीशन, क्या कहा जा रहा है, क्या अब ये कहा जा रहा है कि ये इनलीगल है, इसका कुछ हो नहीं सकता है। जो पैसे थे वो पैसे भी बिल्डर खा गया। कितनी कठिनाई और कितनी तकलीफें? बहुत कठिनाई उठाई है, बहुत तकलीफें उठाई है, कोई नहीं समझ पाएगा, सिर्फ जो रोड पे वो समझ पाएगा बस। सर, इसी तरह आपने कई MLAs के ऊपर भी और नगर सेवकों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए, कहाँ तक ये सच है, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तो नंगी आंखों का सीधा सबूत है। आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं कि 1 साल पहले जो ये 2 मंजिला इमारत थी वो 10 मंजिला कैसे हो गई। अभी हमारे आमदार ने भी हाउस में उठाया कि ये 2 मंजिला इमारत धड़ल्ले से 10 मंजिला होती जा रही। ये तो खुला हुआ सच है, ये तो कानून के आसरे पे बने और बसे हुए लोग जो अपने घरों को बनाते हैं इन गरीब लोगों को उजाड़ने के लिए, ये वो लोग कर रहे हैं सब ये काम। अगर 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 किसी के पास किसी MLA का, मैं अपनी पार्टी का मेरा नहीं बात करता हूँ, कोलाबा है, ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन मुंबा देवी में या डोंगरी में नहीं हो रहा है, ये कोलाबा में भी हो रहा है, भाईकलम में भी हो रहा है, शिवड़ी में भी हो रहा है और पूरे मुंबई में हो रहा है। तो अगर किसी के पास ठोस सबूत है तो उसने ले जाकर उस MLA और उस कॉरपोरेटर के नाम की पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी चाहिए, और उस पर भी अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है उस पर भी कार्रवाई। अब इसके आगे क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरह से BMC पर इफेक्ट होना चाहिए या सरकार पर होनी चाहिए? देखिए, अगर मुंबई में ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं राजनीतिक जुमला है। देखिए, हर बरसात के बाद जब इमारतें गिरती है ना तो हुकूमत और मिनिस्टर्स आके बड़े बड़े ऐलान करते हैं, 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने की बातें होती हैं, फिर आइंदा ये होगा वो होगा, सिर्फ वो 2-4 दिनों के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब वो जो वक्त होता है ना पॉलिटिशियंस के लिए ईद का मौका रहता है, वो देखते हैं यार टाइम्स ऑफ इंडिया वाला आया कि नहीं, NDTV आया कि नहीं, ये TV आया कि नहीं, मेरा बाइट हुआ कि नहीं, वो उनके लिए एक अपने आप की खुदनुमाई के लिए वो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखिए हमने एक मरतबल कहा था कि मतलब ये कानून जो है गैर कानूनी इमारतें बनाने का वो सक्षम नहीं है, कमिश्नर ने कहा सक्षम है। होता क्या है, अभी जैसे कैराना का वो वाक्य है जिसमें उस मंत्री के लड़के ने 4 लोगों को कुचल दिया, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो कोर्ट से बच निकला। वजह यह होती है कि आप गवर्नमेंट उन केसेस को किस तरीके से लड़ती है। आज मुंबई महानगर पालिका में जो गैरकानूनी इमारतें बनती है उनमें होता यह है कि उसके बाद रिप्लाई नहीं होती, 7 मंजिला होने के बाद आप उसको 351 का A का नोटिस देते हो, वो स्टे लेता है, फिर 9-10 माले कंप्लीट करता है, उसके बाद में आखिरी 2 मंजिले पर आप तोड़फोड़ करते हो। तो ये जो कानून का के ज़रिए ये लोग अपने बचने का काम करते हैं उससे हमें सबक लेना चाहिए, हुकूमत को सख्त कदम लेने चाहिए। कोई तो एक जिंदा दिल ऑफिसर आवे, कमिश्नर आवे, चीफ मिनिस्टर आवे, जो इन कामों को रोकने का काम करें। ये काम इसलिए रुकना है कि इसमें इंसान मर रहा है, कभी ना कभी ये हादसा होगा, रीडेवलपमेंट में कैसे जाएंगे 20 साल बाद, ये दुनिया जब अभी ये बिल्डिंगें बन रही तो कयामत तक थोड़ी रहेंगे, 10-20 साल बाद इसकी रिपेयर का मसला होगा, इसको बनाने का मसला होगा, कैसे बनेंगी ये इमारतें? देखिए, इसमें मैंने एकदम क्लियर बताया आपको कि जो ऐसी बिल्डिंगें बन चुकी है, लोगों ने रजिस्टर कर चुका है, लोगों ने उसकी स्टैम्प ड्यूटी भर चुकी है, BMC और MADA ने मिलकर उस बिल्डिंग को लीगलाइज करना चाहिए, और जो उनका प्रीमियम होता है, जो पैसे होते हैं, वो जिस कॉन्ट्रेक्टर ने बनाया है, जो बिल्डर ने डेवलपर ने बनाया, उससे उसे वसूल करनी चाहिए। मुंबई में जिस तरह से अवैध निर्माण की भरमार होती जा रही है, जनता के साथ सरकार को भी इसका संज्ञान लेना होगा, वरना यह अवैध निर्माण हजारों की जान संकट में डाल सकता है। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।